Lala. ये बाला भैरव मंदिर के सामने पाइपलाइन है जो फूटी है सुबह 5 बजे से। यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ जलदाय विभाग का ऑफिस है सामने, उसके बिल्कुल सामने ही फूटी हुई है। यहाँ हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह चुका है और अभी भी चल रहा है, जबकि इनको इन्फॉर्मेशन दे दी जा चुकी है, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोड की क्या हालत है? पूरा रोड बिखर चुका है पूरा इससे, और ये कम से कम 6वीं बार फूटी है लाइन, इस साल के 6वीं बार लाइन फूटी है ये। आपका नाम? यतीश महावर। आज प्रकाश रोड गुरुद्वारे के पास में बड़ी पाइपलाइन जो कि हिना गार्डन की जो पानी की टंकी है उसको भरती है, वो आज लीकेज हो गई, फूट गई। क्षेत्रवासियों ने सूचना दी, उसके बाद मैं मौके पर पहुंचा और मैंने मौके पर पहुंचकर जब देखा कि पानी का बहुत तेज़ उछाल आ रहा है, तो उसके बाद मैंने जलदाय विभाग अलवर गेट के जो हमारे प्रवीण जी हैं अभियंता, उनको फ़ोन किया, उसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद में वो तुरंत आए, तुरंत मौके पर उनकी टीम और अभियंता और कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने इस वाल्व को बंद करा दिया। बहुत ज़्यादा तेज पानी का बहाव था, जिसके कारण यहाँ पर गड्ढा भी बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके बाद में फिर यहाँ पर वो लोग आए, उन्होंने देखा और उसको बंद कराया। ईश्वर राजौरिया, नगरा। गुरुद्वारे के पास ये पाइपलाइन फूट गई है। हमारे यहाँ नेताजी ईश्वर राजौरिया को हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन किया, उन्होंने फ़ोन किया जलदाय विभाग में, उन तक तुरंत का ये कार्य हुई। और इधर इतना पानी का प्रेशर था, भाटे मोटे मोटे भाटे निकले, और एक गाड़ी इसके अंदर धस गई मोटरसाइकिल, उसको तुरंत निकाला गया। हमारे नेताजी ने तुरंत कार्रवाई करके पाइपलाइन को बंद करवाया।